हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हयान किचन। आज हयान किचन में बनाएंगे हम वेज कटलेट। अक्सर हमारी किचन में बच जाता है खाना और उस खाने को देखकर बिल्कुल भी मन नहीं करता कि हम उस खाने को वेस्ट करें। जी हाँ, आज जो मैंने नाश्ता बनाया ना, ये नाश्ता बनाया है घर के बचे हुए खाने से, जो कि खाने में था बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आज बनाते हैं मेरे साथ घर के बचे हुए खाने से टेस्टी यम्मी वेज कटलेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वेज कटलेट बनाए थे मैंने घर के बचे हुए खाने से। जी हाँ, मेरे पास बचे थे कुछ वेज पुलाव, इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने बनाई ये कटलेट। अब इसके लिए एक बाउल में लिया मैंने सबसे पहले पुलाव। अब इसको एक अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें डाले उबले हुए आलू। इस आलू को आप मैश करके या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ऐसे ही इसको मैश करके इसमें डाल दिया। मैंने इसमें लगभग 4 से 5 आलू को मैश करके डाला है। आप चाहें तो अपनी राइस की क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, बट अगर आप दोनों को बराबर लेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा बनकर आएगा। वैसे तो इस पुलाव में ऑलरेडी वेजेस हैं, बट एक अच्छा सा क्रंच देने के लिए हम इसमें डालेंगे बारीक हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, साथ ही साथ डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई मिर्च, साथ ही साथ हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब कटलेट में अच्छी बाइंडिंग देने के लिए इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने 4 बड़े चम्मच लिए हैं। इसके साथ ही डालेंगे इसमें नमक। नमक आप राइस में भी ऑलरेडी नमक है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए डालिए। साथ ही डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। अब इसको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। आप चाहें तो अपने हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि हम टिक्की या आलू टिक्की बनाने के लिए डोथ रेडी करते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक अच्छा सा डो बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखिए, इसको हमने कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसके बना लेंगे कटलेट। उसके लिए सबसे पहले हम हाथ में लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल इसलिए लगाना ज़रूरी है ताकि ये हाथ पे चिपके नहीं, आराम से हम इसको किसी भी शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने इन कटलेट्स को एक टिक्की के साइज़ में बना लिया। साइडों से अब हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये फटे नहीं और खुले नहीं। अब हमारे सारे कटलेट्स को हम एक ही बार पहले बना कर रख लेंगे ताकि हम इसको 4 से 5 मिनट तक थोड़ा रेस्ट के लिए रख दें। ये देखिए, ये हो गए मेरे सारे कटलेट एकदम तैयार। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम बना लेंगे हरे धनिया और पुदीना की चटपटी चटनी। इसके लिए सबसे पहले लिया मैंने मिक्सर जार, इसमें डाला हरा धनिया, अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हरा पुदीना, इसे भी मैंने पहले वॉश कर अच्छी तरह से रख लिया था। 2 से 3 इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, साथ ही साथ इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। ऊपर से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और बस अब इसको कर लेंगे अच्छी तरह से ग्राइंड। ये हो गई हमारी चटनी तैयार। हाँ गाइस, इसमें आप ग्राइंड करते हुए डाल लीजिएगा थोड़े से आइस क्यूब, क्योंकि मैं भूल गई थी डालना, बाद में मैंने डाल कर ग्राइंड कर लिया था। और ये देखिए, हो गई हरे धनिया और पुदीने की चटनी तैयार। अब हमारे कटलेट्स को कर लेंगे हम फ्राई। जिसके लिए एक पैन में लिया मैंने वेजिटेबल ऑयल, उसमें डाले कटलेट्स,
इन कटलेट्स को मैंने डीप फ्राई नहीं मैंने किया है, शेडो फ्राई। इन कटलेट को हम दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। इसके लिए मैंने इनको स्पून से एक बार पलट दिया है। गाइस आप ध्यान रखिएगा, हमें इन कटलेट को ओवर कुक नहीं करना है, इनको बस हल्का ब्राउन होने तक और साथ में एक क्रिस्पी लेयर आ जाए बस उतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे कटलेट्स के ऊपर आ गया ना एक अच्छी सी क्रिस्पी लेयर, और देखने में भी ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो बस अब ये हो गए हमारे कटलेट्स बनके तैयार। इसको हम जल्दी से निकालेंगे एक प्लेट में और करेंगे इसकी अच्छी सी प्लेटिंग। Thank you.